को कयार को आगे बढ़ाते हुए नए बसंती और महान वर्ष को आगमन के लिए तैयार है। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हम गंगापुर, बहुत बड़ा प्लेस है गंगापुर एरिया, बहुत बड़ा प्लेस माना जाता है और महाविद्यालय है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ा है। महाविद्यालय को दिखा दीजिएगा, डॉक्टर हमारे आवाज़ किसान डॉक्टर विभूति नारायण सिंह परिसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गंगापुर वाराणसी। यह कॉलेज अपने आप को एक नायाब तोहफा के साथ छात्रों को, छात्राओं को और शिक्षा जगत को, इसके साथ साथ भारत और हिंदुस्तान और इंडिया से जुड़े जितने भी हित से जुड़े सिस्टम हैं उनको आगे बढ़ाने में अपने आप में एक नायाब स्थान माना जाता है। भारत में, हिंदुस्तान में और इंडिया में राजनीति को राष्ट्रनीति कहा जाता है और इसकी शुरुआत होती है छात्र राजनीति से। तो आज हमारे सामने हैं एक सौम्या सिंह नाम पड़ेगा जो गंगापुर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर से अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए आजमा रही हैं। ज़रा इनके मुद्दे क्या होंगे, इनके विचारधाराएं क्या होंगे, इनके विजन क्या होंगे, इनके मिशन क्या होंगे चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, ज़रा इनके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। मैम बड़ा अच्छा लगा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, बधाई है, शुभकामना है। चुनाव लड़ने का विचार कहाँ से आया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिएगा। जी नमस्कार, हमारा नाम थोड़ा और तेज बोलिए। नमस्कार, हमारा नाम सौम्या सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गंगापुर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए मैं BFA फोर्थ ईयर की छात्रा हूँ। मैं चुनाव इसलिए लड़ी हूँ काफ़ी कि देखा जाता है कि समाज में लड़कियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। लोग कहते हैं राजनीति में आने की लड़कियाँ क्या कर लेंगी, बस एक सबका मोटिव रहता है कि हाँ पढ़ ली लिख ली, पढ़ना लिखना भी सही है, बस राजनीति ना आए क्योंकि लोग गलत बोलेंगे गलत सोचेंगे। तो काफ़ी लोगों का मैंने नाम सुना जाना, फिर मैंने कहा क्यों ना हम ये करें, क्योंकि अगर आज हम खड़े हो रहे हैं तो हमें देख के काफ़ी लड़कियाँ प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा लड़कियों के हित के लिए और इस समाज के लिए क्यों ना कुछ नया किया जाए। नहीं मैम, लड़कियाँ तो मुझे लग रहा है लड़कियाँ महिलाएँ पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। अभी जस्ट दो चार दिन पहले दो लड़कियां महिला पायलट बनी हैं जो फाइटर प्लेन चलाती हैं। लड़कियां जब फाइटर प्लेन चला रही हैं, लड़कियां जब प्लेन चला रही हैं, तमाम टेक्निकल पार्ट में आगे बढ़ रही हैं, ISPCS में भी आगे बढ़ रही हैं। तो चुनाव ठीक है, राष्ट्रहित की बात है, तो चुनाव जीतने के बाद आपका मुद्दा क्या होगा, उस मुद्दे को थोड़ा सा आप छात्र छात्राओं को, हिंदुस्तान के लोगों को आप बताइए। यहाँ पे जो कैंपस है वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं, पिछले भी कई वर्षों से लोग अध्यक्ष पद पे जीतते आ रहे हैं बट काम कुछ नहीं हो रहा है। लोग जीतते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं, साल दो साल नज़र ही नहीं आते कि कौन जीता कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो औरतों के लिए, मतलब यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं रूम नहीं मिल पाते हैं, कक्षाएँ नहीं मिल पाती हैं, क्लासेस नहीं चल पाते हैं और कभी सिक्योरिटी भी उतनी सही नहीं है और लड़कियाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो अनसिक्योर फील करती हैं, तो उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए आप लड़ाई लड़ेंगी? जी, यह लड़ाई यही नहीं आगे भी आपका जारी रहेगा। जी ज़रूर। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव में वोट तो आपको छात्र भी देंगे, छात्राएं तो देंगी, छात्र भी देंगे, तो आपके विजन मिशन में छात्र भी हैं कि नहीं है? जी छात्र ज़रूर हैं, क्यों नहीं है। नहीं, छात्रों के लिए क्या आपका प्लान है? छात्रों के लिए प्लान है क्लासेस अच्छी चलेंगी, सारी मैनेजमेंट है, यहाँ पे लाइब्रेरी की थोड़ी दिक्कतें हैं तो लाइब्रेरी अच्छे चलेंगे और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी भी कोई भी दिक्कतें होंगी सारी चीज़ों का हल होगा। चुनाव लगभग कब है मैम, कब है? जी अभी डेट नहीं आया है, एक महीने के अंदर डेट आ जाएगा। अच्छा, तो चुनाव में छात्र छात्राओं से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर और जुड़ी हुई संस्था और विश्वविद्यालय के छात्र, मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राओं से, इसके साथ साथ हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के छात्र छात्राओं से चुनाव में अपने लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी? बस अपील यही करना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें, समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हम आगे बढ़ सके और ऐसे ही हमारे साथ साथ काफ़ी जो लड़कियाँ हैं, जो भी हमारी बहनें खड़ी हैं, उनका भी सपोर्ट हो और सबके हित में कार्य हो। बड़ी ऊँची बात
साथ दें, साथ निभा जाऊंगी, छात्र छात्राओं को अपना कार्य में दिखा जाऊंगी, ऐसा कहना है सौम्या सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष के प्रत्याशी का। इनका कहना है कि यदि मैंने चुनाव जीता तो ऐतिहासिक वर्क करूंगी, जो तक अभी यहां पर जीते हुए प्रत्याशी जो है नहीं किए हैं। इसी विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।